जी फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के फजल और शुक्र और करम के साथ जी फ्रेंड्स, आज मैं एक और रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये बहुत ही मजेदार रेसिपी है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ चना चाट। इसे अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, ये माह रमजान स्पेशल है, ये बहुत ही मजेदार बनती है। चना चाट मैं कैसे बनाता हूँ, उनमें किन किन चीजों की जरूरत है, चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ। जी फ्रेंड्स, एक पाव मैंने चने लिए थे, इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो के अच्छी तरह वॉश करके इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। ये देखें कितनी अच्छी तरह मैंने बॉईल की हैं, ये देखें बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें, आपने भी इसी तरह बॉईल करने हैं। 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखे थे, फिर इन्हें मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसे हम एक बॉल में शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, इसे मैंने बॉल में शामिल कर दिया है। ये मैंने 2 आलू लिए हैं दरमियानी साइज के, इसे भी अच्छी तरह वॉश करके मैंने बॉईल कर लिया था, इस शेप में मैंने काट लिया है। ये देखें, अब ये बॉल में शामिल करेंगे हम। बॉल में मैंने आलू शामिल कर दिए हैं, अब इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे हम। ये 2 दरमियानी साइज की प्याज ली हुई मैंने, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा काट लिया मैंने, ये देखें अब ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, प्याज हमने शामिल कर दी है। अब इसमें टमाटर जाएंगे, ये 2 दरमियानी साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, इसे भी मैंने छोटे छोटे काट लिए, ये देखें शेप में, आपने भी सेम इसी तरीके से काटने हैं। अब ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा पुदीना, इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक बारीक करके काट लिया है, अब ये शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह, अब इसमें 2 चाय के चम्मच चाट मसाला जाएगा, आप चाहें तो ज्यादा भी शामिल कर सकते हैं मगर मैंने 2 चम्मच लिए हैं। बिस्मिल्लाह, अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अभी ये रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। इसमें 2 चीजें ऐसी शामिल होंगी जो चाट का टेस्ट बहुत ही मजेदार बना देंगी। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह, अच्छी तरह मिक्स करना है इसे। चाट को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली है, अब इसके ऊपर से थोड़ी सी मैं निकाल लूंगा। ये क्यों निकाल रहा हूँ मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह, थोड़ी सी मैं निकाल लूंगा। ये बहुत ही मजेदार चना चाट बनती है, अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। ये मैं थोड़ी सी निकाल ली है। अब इसमें दही शामिल होगा। बिस्मिल्लाह, ये मैंने 1/2 किलो दही ली है, मैं थोड़ा सा बचा लूंगा। अच्छी तरह सेट कर लेना ऊपर से, ये दही खुद ब खुद नीचे चला जाएगा, बेफिक्र रहिएगा आप। अब इसके ऊपर ये थोड़ी सी पापड़ी जाएगी, ये देखें ये पापड़ी अब मैं शामिल करूंगा मैं। बिस्मिल्लाह, पापड़ी शामिल करने के बाद जो मैं ये चना चाट निकाली हुई थी ये ऊपर शामिल कर दूंगा मैं। अच्छी तरह सेट कर लेना ऊपर से। मैंने वीडियो की शुरू में आपको बताया था कि 2 चीजें इसमें ऐसी शामिल होंगी जो चना चाट का टेस्ट बहुत अच्छा बना देंगी। अब मैं वो शामिल करने लगा हूँ, आप गौर से देखिएगा मैं क्या शामिल करने लगा हूँ। जी फ्रेंड्स, अब इसमें ये लेस चिप्स ये शामिल करूंगा मैं, ये मैंने 1 पैकेट लिया है, ये शामिल करूंगा मैं। बिस्मिल्लाह, अब इसके ऊपर ये इमली की चटनी मैंने बनाई हुई है, ये शामिल करूंगा मैं। ये इमली की चटनी मैंने बना के रखी हुई थी, इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। ये इमली की चटनी मैंने शामिल कर दी है, अब इसके ऊपर दही शामिल करेंगे हम।
दही शामिल निकाल दी है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पुदीना शामिल करूंगा मैं। थोड़ा सा चाट मसाला, इसमें आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हम नमक थोड़ा कम खाते हैं, मैंने शामिल नहीं किया, आप शामिल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये चना चाट हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है, ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। जी फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक बासानी से पहुंच सके। इसी तरह मज़े मज़े की चाट बनाते रहिए और मज़े मज़े से खाते रहिए। मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।